नमस्कार। नाला सुपारा में जो बाइक का इंसिडेंट हुआ, जहां पर आग लगने से टांकी फटी और फिर 3 लोगों के कपड़े में आग लग गया, ये इंसिडेंट से हमको क्या सीखने को मिला, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब उस बाइक में आग लगा तो वहाँ पर किसी ने वहाँ से जाने वाले वाटर टैंकर को रोक के उसके पानी का इस्तेमाल किया, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, बड़ी अच्छी चीज़। ये दूसरी बात है कि तेल की आग पे पानी आपका काम करेगा नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे और गैस पे पानी काम नहीं करेगा, लेकिन पानी का अच्छा काम करता है वो है बाकी चीज़ों को गर्म होने से रोक देता है, वो अच्छी चीज़ है। दूसरा है जो बाईस्टैंडर थे, जो लोग वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर लोगों ने जो है अपना अननेसेसरी क्राउड करना शुरू किया, लेकिन कुछ लोग मदद करने के लिए आगे भी आए, लेकिन वहाँ पर एक जो व्यक्ति था वो वहाँ पर उनको बता रहा था कि टांकी खोलो, टांकी खोलो, तो ये जो सजेशन था ये सबसे गलत सजेशन था, जिसके कारण ये हादसा हुआ, क्योंकि पेट्रोल अंदर गर्म होने के कारण वो ऑलरेडी वॉलेटाइल हो चुका था। सो अगर टांकी नहीं खुलते तो ये सिचुएशन आराम से कंट्रोल में हो सकता था। दूसरी अच्छी बात जो थी कि वो जो बाइक राइडर था वो इस बाइक को उस क्राउडेड एरिया से निकाल के अलग लेके जा रहा था, दैट वाज वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्राउड में अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो काफ़ी लोग को इंजरी हो सकती है, ये एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन वो होते होते उन्होंने किसी और का सजेशन मान लिया और उसके जाके उन्होंने जैसी टांकी खोला तो हमने फिर देखा वहाँ पर पूरा धमाका हो गया, क्योंकि पूरा पेट्रोल वहाँ पर ब्लास्ट के साथ में बाहर आ गया और फिर वहाँ पर खड़ी हुई रिक्शा में आग लगा और वहाँ पर खड़े नज़दीक जो 3 लोग थे इंक्लूडिंग द बाइक राइडर, उनके कपड़े में आग लग गया। तो इससे दूसरा एक चीज़ जो है कि एज अ बाईस्टैंडर जब आप वहाँ पर रहते हो, एक तो आप क्राउड मत करो, दूसरा आप कोई भी चीज़ की सलाह मत दो जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपकी गलत सलाह किसी के जान ले सकती है, जैसे इस हादसे में होते होते बच गया। तीसरा है, कोई भी जब वीडियो निकालता है तो एक अगर वीडियो निकाल रहा है तो सभी वीडियो निकालने में मत जाइए, डॉक्यूमेंटेशन या उसका होना भी जरूरी है, क्योंकि आज उस वीडियो के कारण आज हमको भी पता चल रहा है क्या है, लेकिन सभी लोग उसमें मत जाइए। दूसरा चीज़ जो एक अच्छा हो सकता था कि आजू बाजू में बगल्स में शॉप्स थे, अगर कोई भी वहाँ से भाग के किसी दुकान से एक एक्सटिंग्विशर भी लेके आ सकता था तो ये आग कंट्रोल में हो सकता था, या फिर वहाँ से किसी से कोई ब्लैंकेट दरी भी लेके आ सकते थे तो भी हो सकता था ना, दिस वॉज ये होना चाहिए था। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो अगली बार कभी आप ऐसे देखते हो जहाँ पर भी हो गया तो आज हर दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर तो कम से कम होता है, तो एटलीस्ट वो लेके आप आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा, जब कपड़े में आग लगा तो उसके बाद में विक्टिम्स को क्या करना चाहिए, तो विक्टिम्स ने जो गलत काम किया है, जिनके कपड़े में आग लगा, इन लोग सभी भागना शुरू किया। जब आपके कपड़े में आग लगा हो और अगर आप भागोगे तो हवा के कारण आग और बढ़ेगी, तो आपको कभी भी भागना नहीं है जब आपके कपड़े में आग लगा है। आपको एक टेक्निक को फॉलो करना है जिस टेक्निक का नाम है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल टेक्निक। मैं वापस दोहराता हूँ, इस टेक्निक का नाम है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल टेक्निक। और अपने आप को जमीन पे बिछा दीजिए, दोनों हाथ से अपना मुंह को कवर कीजिए और जमीन पे रोल कीजिए, क्योंकि जैसे आप जमीन पे रोल करोगे उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा नहीं आग को, तो वो आग बुझते भी जाएगा। आप दौड़ोगे तो हवा और आने से आग और बढ़ेगा। अभी जब आपके कपड़े जल रहे हैं तो इसका मतलब अभी ये मेडिकल इमरजेंसी हो गया, तो वहाँ पर जो हमको करना है किसी भी तरह से पहले तो उस आग, जिस व्यक्ति के कपड़े में आग लगा उसको बुझाना है, और दूसरा है कि उसके गर्मी को कम करना है। तो वहाँ पर आप देखो जो एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था उसके ऊपर फिर लोगों ने फटाफट उठा के पानी डाला, जो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पानी से वो जो गर्मी है वो कम हो सकता है, सो वो करना चाहिए। या फिर अगर कपड़े में आग लगा हुआ तो उसको किसी भी कंबल से लपटना चाहिए। अब अगल बगल में सब दुकानें थी, वहाँ से कंबल भी लेके आके आप लपेट सकते हो तो भी अच्छी बात है। तो पानी डालना ये बड़ी अच्छी बात है। सो बर्न इंजरीज के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है पानी डालना। और तीसरा, क्योंकि वहाँ पर कोई स्किन या कुछ भी जब जला हुआ है तो वहाँ पर उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसके बाद में इन्फेक्शन का डर होता है। तो कोई भी साफ़ सुथरा कपड़ा अगर होगा तो उस कपड़े से उस जले हुए पोर्शन को कवर करना चाहिए। अगर इतना भी आपने कर दिया तो भी उस विक्टिम की जान बचने की पूरी संभावना है। तो अंत में हम लोग यही कहेंगे कि इस इंसिडेंट से हमको जो सीखने को मिला है, अगल बगल में जब शॉप्स है, अगर फायर इंसिडेंट हुआ है तो अगल बगल के शॉप्स में, आजकल हर शॉप में आपको एक्सटिंग्विशर मिलेगा, कोई दुकान में अगर कंबल दरी है तो वो भी आप ले सकते हो, ऐसे हालत में कोई भी आपको मना नहीं करेगा, उसका इस्तेमाल कीजिए। और अननेसेसरी आप भीड़ मत कीजिए, और आपको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं है
उसका प्लीज़ सलाह मत दीजिए, क्योंकि आपकी वो गलत सलाह किसी की जान ले सकती है। धन्यवाद।